इस सब बात का कोई मतलब नहीं। एके मिश्रा जी, मूल प्रश्न ये है, बड़े पिताओं की संतानें राजनीति में जो बड़े हैं उनकी संतानें मंत्री हो सकती हैं, मुख्यमंत्री हो सकती हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकती हैं, गृह गोचर अच्छे फिट हो जाए तो पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं या हो सकती हैं, लेकिन नेता कोई वंश नहीं बना सकता किसी को, कोई उत्तराधिकार इस धरती पर ऐसा नहीं जो नेता बना दे अपने सक्सेसर को। यह तो बना सकता है, अध्यक्ष बना दे, महामंत्री बना दे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी सुपर इंचार्ज कुछ बना दो, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चाहे जो, नेता बनाए से नहीं बनेगा, उसके लिए खुद का पुरुषार्थ चाहिए, पराक्रम चाहिए। क्या वही संकट है जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं? क्योंकि बाला साहब का अक्ष अगर 30% भी झलकता तो ये संकट ही पैदा नहीं होता महाराष्ट्र में। पता नहीं कितने लोग मिले, मैं बाला साहब से मिला हूं, मैं उनका तेवर जानता हूं एक पत्रकार के नाते। अब तक तो पूरे मुंबई में आपको सेना लगानी पड़ी होती, ये 1500 आदमी को वो गेंदा के पंखुड़ी फेंक रहा, कह रहा उद्धव जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। एके मिश्रा जी, देखिए अमिताभ जी, जो आपने समस्या बताई है कि लोग नेता नहीं हो सकते हैं, ये पूरी समस्या जो महाराष्ट्र में हो रही है, दो पार्ट में इसका डिस्कशन किया जा सकता है। पहला पार्ट ये है कि नेता एक गुणधर्मवाचक शब्द है, एडजेक्टिव है लीडर, ठीक है, गुणधर्मवाचक चीजें अगर बननी है तो वो ट्रेट आपके पर्सनालिटी में होने चाहिए। अनुकंपा के आधार पे आप क्लर्क से लेके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, सहानुभूति के आधार पे एक दो पीढ़ी तक चलता है, लेकिन वो गुणधर्म अगर आपके पास गुणसूत्रों से नहीं आए और जमीन पे संघर्ष करके आपने वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की। नेता का मतलब जनता से कनेक्शन होना, जो अपने जनता के बीच में रहे, अगर वो चीज नहीं है, वो दांव पेच आपने नहीं सीखे, अखाड़े में उतरे बिना जो है आप पहलवान नहीं बन सकते हैं। जिम में जाके मसल्स बना सकते हैं, लेकिन पहलवान वो घोड़ा पछाड़, धोबी पछाड़, काला जंग, ये सारे दांव आपको जिम में नहीं सिखाया जा सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम ये व्यक्तिगत है जो उद्धव ठाकरे के साथ है। बालाजी का व्यक्तित्व तो इतना ज्यादा लिंकिंग था पब्लिक से कि उनकी एक आवाज पे हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, वो पब्लिक से उठे थे, पब्लिक के बीच में ही रहते थे और पब्लिक के बीच में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। ये एक लंबी विवेचना हो जाएगी। दूसरी चीज, हम सरकार पे आते हैं। ये सरकार जब बनी थी ना, तो देखिए होता क्या है, आप कितनी भी कोशिश करिए, एक कांच के ग्लास में तेल और पानी आपने मिलाया, मिलाने के बाद हिलाया, उसको शेक किया, लेकिन दोनों एक कभी नहीं होंगे। जैसे ही कांच का ग्लास टूटेगा, जिसमें कि वो दोनों बंधे हुए हैं, उसमें कोई ऊपर है नीचे है, यहाँ पे हमारे ठाकरे साहब जो थे, उद्धव ठाकरे जी, वो ऊपर बैठे हुए थे तेल की तरह, अब वो पानी फैल गया, रायता जब फर्श पे फैलेगा, तेल अलग हो गया और पानी अलग हो गया। अब तेल अलग होके पहुंच गया वहां आसाम में, गुवाहाटी में, कहां त्रिपुरा में पहुंच गया, और अभी तेल जो बाकी है ना, कांग्रेस में भी बाकी है, उनको भी डर सता रहा है, वो तेल छिटक करके अलग होके कहां पहुंचेगा। तो जितने कंपोनेंट थे किसी भी तरीके से वो मिक्स नहीं हो सकते थे। साल दो साल तक खूब हिलाया, खूब जैसे सोडा लेमन वाला बनाता है ग्लास में, लेकिन मिक्स नहीं हो सके। सारे कंपोनेंट जहां से जुड़े थे स्वार्थ के लिए वो अलग हो गए। ठीक ठीक, मैं विकास, एके मिश्रा जी, अच्छा जनता कहती है कि भाई साहब इससे बड़ी कोई हिपोक्रेसी नहीं हो सकती कि विशुद्ध उपयोगितावाद पर चलने वाली राजनीति को दूसरे किस्म के लवादे पहनाए जाते हैं, बोले जी गांधीवादी, बोले जी एकात्म मानव, बोले जी समाजवादी, बोले जी अंबेडकरवादी, लोहियावादी, जयप्रकाशवादी, नहीं। अब वो कह रहा है कि नेता ये कह रहा है कि भाई साहब मंत्री बन सकता हूं तो इनके साथ जाऊं, नहीं बनूं तो क्यों जाऊं? नहीं देखिए अमिताभ जी, जो जब बैकबोन बहुत कमजोर होती है, जो आपने अपने प्रथम भाग में बोला जी, वो ये था कि अगर आदमी खुद से नेता बना है और नेतृत्व करने की क्षमता है, तब तो वो चीजों को लीड कर ले जाता है और उसको किसी भी तरीके से कोई भी चोला पहनने की जरूरत नहीं होती है।
जब कोई कमजोरी होती है, सरकार नहीं बना पाते हैं, पद नहीं आप ले पाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे आपको डिफरेंट तरीके के चोले, कभी आप समाजवादी का चोला पहनेंगे, आप अपने आप को सजाएंगे धजाएंगे और मैच करने की कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए जो है वो हमारे लिए अनुकरणीय है, या हम उनकी तरह पॉलिटिकल बिहेव करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी में हम बिलीव करते हैं। अभी आप इनका देखिए, मैं अगर आघाड़ी सरकार की बात करूं तो शिवसेना ने जब ये गठबंधन बनाया था, पूरे इतने सालों में जब से सरकार बनी है, ये शिवसेना के जितने मूल सिद्धांत थे जिसको कभी किसी ने नहीं छोड़ा, उन सबको इन्होंने तिलांजलि दे दी। यानी जो इनका बैकबोन है वो टोटली खत्म ही इन्होंने कर दिया, उसको काट करके फेंक दिया। तो जब आदमी अपने बैकबोन को, अपनी पहचान को नष्ट करता चला जाता है, तो उसको बार बार चोला बदलने की, वो कभी किसी दूसरी आइडियोलॉजी का सहारा लेगा, कभी और जी कोई वेशभूषा बना के बातें करके सिद्ध करने की कोशिश करेगा, जनता को रिझाने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो आपने बोला कि नेता बनना इतना आसान नहीं है, एक ही डगर पे आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होकर चलते रहना पड़ता है, तब जाके आप नेता बन पाते हैं। हर पल, हर जी साल में, दो जी साल में आप अपनी आइडियोलॉजी जी बदलते रहेंगे, तो जी ए आपको फिर आप आइडियोलॉजी नहीं बदलेंगे, आप जी हर साल चोला ही बदलेंगे। ठीक बात। और एक बात कहके मैं दिलीप